हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर्स चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर्स चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज की जो वीडियो है हमारी, आज की वीडियो होने वाली है जो गिलहरी परेशान कर रही थी, उस गिलहरी को पकड़ने का आज प्लान कर रहे हैं और वो गिलहरी पकड़ के बाहर फेंकनी है भाई। तो उसके लिए मैं बताऊंगा भाई, गिलहरी ने क्या काम किया। वो लॉफ्ट में रहना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, वो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हराने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे, ठीक है भाइयों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो भाइयों देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मैंने वीडियो डाली थी कि गिलहरी ने कबूतर मार दिया था और एक बच्चा खा गई थी। उसके बाद एक कबूतर था, उसकी एक आँख खराब थी, उसकी एक बाजू पे लिपट गई भाई। तो वो कबूतर अभी मैंने नीचे पहुंचा दिया है। तो गिलहरी ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब परेशान क्या कर रही थी भाई, गिलहरी ने जो ये ऊपर सीलिंग हुई हुई है ना, ये इस सीलिंग में रहना स्टार्ट कर दिया। ये प्लाई लगी हुई है नीचे से भाई, ठीक है। तो उसने इसी के अंदर अपना रहन सहन कर दिया। वो लॉफ्ट से बाहर ही नहीं जा रही थी। आते हम जैसे ही लॉफ्ट में इंटर होते थे, ऐसे ही वो सीधा ऊपर भाग जाती थी इसमें, ठीक है। और जब नीचे जाते, जब निकल के आती, तो उसके बाद भाई बहुत परेशान करा उसने कबूतरों को। ना रेस्ट करने दे रही है कबूतरों को, और ये मान लो किसी का पाँव पकड़ लेती है, किसी पर पकड़ लेती है, यानी कि ये समझ लो उसके खून मुँह लग गया, ठीक है। तो उसने भाई रहने सहने का जो सिस्टम किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से बनाया उसने सिस्टम। देखिए इधर लाओ, देखिए भाई, ये कलपरा कबूतर बैठा है ना मद्रासी, इसी के ऊपर वहां पर सामने देखिए एक होल बना लिया उसने काट के सीलिंग में। यहां से काट के उसने होल बना लिया। तो उसने भाई उसी होल में रहना सहना स्टार्ट कर दिया। और एक ये मान लीजिए अपना घोंसला भी उसने इसी के अंदर बना लिया, क्योंकि वो ये जो हमने लगाई हुई है पाइपों पर जाली वगैरह लगाई हुई है ये, ताकि मच्छर ना आए। तो इन्हें भी वो काट काट के ले जाना स्टार्ट कर दिया उसने। ये देखिए इस पाइप की लेके चली भी गई है वो, और बाकी उधर जो जो उधर जाली लगी हुई है उधर की, वो सब काट ली है उसने। प्लस यहाँ से देखिए, उस लॉफ्ट से इधर जब आती थी मादिनो वाले लॉफ्ट में, तो यहाँ से आना जाना करती थी। तो यहाँ से भी देखिए उसने ये प्लाई काटनी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर ये देखिए, ये ना ये प्लाई काटनी स्टार्ट कर दिया यहाँ पर ये वाली। अब इसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इसके लिए आज प्लान कराए थे पकड़ने गए, तो ये मंगाए हैं भाई इसके लिए हमने, जो ये आते हैं ना चूहों के लिए आते हैं भाई, ये चूहे चिपकाने के लिए काम आता है, ठीक है। लक्ष्मण रेखा के नाम से है ये, और ये पैड भी बोल देते हैं इसे, चूहे चिपकाने वाला, ठीक है। तो ये मात्र ऐसे 50 रुपए का दिया है भाई। तो ये दो मंगाए हमने, एक पे ना तो एक पे चिपकेगी ये। इस पे हमने रोटी लगाई हुई है, और ये हम यहाँ पर रखेंगे इसे अभी। इससे क्या होगा, जब गिलहरी इस पे आएगी तो इस पर चिपक जाएगी। कहने का मतलब ये है, ये रोटी खाने के लिए आएगी, अगर उसका एक पाँव भी इसके ऊपर चढ़ गया भाई, तो इस पर चिपक जाएगी, ठीक है। तो ये उसी के काम आता है। और बाकी जो घर में चूहे वगैरह होते हैं ना, पर्सनली तो चूहों के लिए यूज होता है। देखो चूहे छिपे हुए हैं इस पर, और अगर इस पर मान लो आपने घर में लगाया है, चूहे वगैरह भी चिपकाए हैं, तो उसे छुटाने के लिए भी इसमें पीछे दी गई है डिटेल, आप इसे चेक कर लेना। छुटाने के लिए जो बताया गया है इसमें, ऑयल बताया गया है भाई, जब चूहा चिपक जाए उसके बाद ऑयल डाल के इसे छुटा भी सकते हो। तो ये बढ़िया चीज़ है वैसे, देखिए चूहेदान से अच्छी चीज़ यही है, चूहा इस पर आसानी से आ भी जाता है, ठीक है। तो अभी हम इन्हें लगा देंगे, और जब गिलहरी आएगी इसे चिपक जाएगी, तो उसे पकड़ के कहीं और छोड़ देंगे भाई, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी बस। तो भाई ये देखिए, ये लगा दी गई है कट्टो पकड़ने के लिए, गिलहरी आएगी तो इस पर चिपक जाएगी, ठीक है। ये कैमरा सेट कर दिया गया है यहाँ पर भाई, अब जब भी ये निकलेगी देख जाएगी कब निकलेगी, ठीक है। कैमरा लगा के छोड़ दिया जाएगा यहीं पर।
तो भाई ये देखिए, जैसे कि पैड हमने लगा दिए थे और हमने कैमरा भी लगाया था कि देखें गिलहरी वहीं से इन आउट हो रही है ना, वैसे हो तो रही है वहीं से, मगर मैंने सोचा सभी भाइयों को दिखा दे। तो हमने पैड वहां पर रखे थे, जहां से वो निकलती थी वहीं पर हमने पैड लगा दिए थे और गिलहरी भाई आई भी थी और वो मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी है, जो वीडियो में गिलहरी आई थी वो चीज़ मैंने आपको दिखाई है। मगर क्या हुआ कि भाई झोपड़ी पर से जब गिलहरी उसको आगे चढ़ी तो वो गिर गई, और जैसे ही वो गिरी तो दूसरी झोपड़ी पे वो गई, पैर जो है झोपड़ी के नीचे की तरफ अटक गया और गिलहरी उससे छुप गई आसानी से। ठीक है, अगर उस पर ना अटकता था हो सके वो छुपती नहीं, तो अभी वो बढ़ गई है इसमें और काफ़ी टाइम हो गया निकल के नहीं आ रही है। तो भाई देखते हैं अब बाद में जो भी होता है, या नाइट में लगाएंगे जैसे भी है, क्योंकि कबूतर भी अंदर करने थे छुवाने थे, तो भाई वो लगा दिया ठीक है, बाकी देखेंगे अगर आगे वो आएगी तो ठीक है, बाकी मैंने जितनी वीडियो थी वो आपको शो करा दी है इसमें। ठीक है ना भाई, तो मैं आशा करता हूँ सभी भाइयों को से कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुँचती रहे। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।